जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सो फ्रेंड्स, ये जो नोवेल है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का थर्ड नोवेल है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1929 एंड द स्टोरी इज अबाउट द टाइम ऑफ द स्टोरी इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। इन 1916 मींस वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था वो 1914 और 1918 के बीच में हुआ था। तो 1916 की स्टोरी है जिसमें एक लेफ्टिनेंट होता है और उसके साथ में क्या होता है, किस तरीके से, मतलब फेयरवेल टू आर्म्स का मतलब कि आर्म्स को, मतलब आर्मी को, फोर्स को, या फिर आप कह सकते हो वॉर को, उसने हमेशा के लिए फेयरवेल कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था, मतलब वापस कभी भी नहीं गया वो। मीन्स उससे आप कह सकते हो संन्यास ले लिया, मतलब वो वहाँ से भाग गया था। तो किस तरीके की स्टोरी है वो हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आप कह सकते हो मेन रोल जो है, या फिर नैरेटर प्रोटैगनिस्ट जो है, वो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी है, जिसको हम नोवेल में हेनरी नाम बोलेंगे। तो ये एक यंग अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर है इटालियन आर्मी के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है और उसके लाइफ में पैशन की कमी होती है, मतलब वो इसमें वॉर में हिस्सा भी लेता है। इटालियन आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, वैसे अमेरिकन होता है लेकिन हाल फिलहाल वो इटली में था तो इटली की आर्मी को ज्वाइन कर रखा था। तो ये एक ब्यूटीफुल कैथरीन बार्कले नाम की एक लेडी होती है, उससे बहुत पैशनेटली लव करने लग जाता है। तो कैथरीन बार्कले की बात करें तो ये एक इंग्लिश नर्स थी और ये इसे प्यार करने लगी थी, और इससे पहले इसका जो फियांसे था वो एक बैटल में ख़त्म हो गया था और उसने, मतलब उसको उससे काफ़ी दुख हुआ था उसकी डेथ से, और ये सब कुछ वो शेयर करती है हेनरी के साथ में, और बाद में इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है हेनरी और कैथरीन में। रिनाल्डे नाम का एक रूममेट या फ्रेंड कह सकते हो जो हेनरी का फ्रेंड होता है, और ये एक इटालियन लेफ्टिनेंट और सर्जन होता है, मतलब आर्मी के अंदर। हेलन फर्गिसन की बात करें तो हेलन जो है वो कैथरीन की फ्रेंड है और उसके साथ में ही नर्स है, मतलब ये दोनों ही नर्स होती हैं और इनकी मुलाकात साथ में, जब ये आती हैं तब साथ में ही हेनरी की मुलाकात इन दोनों से होती है, कैथरीन और हेलन से। डॉक्टर वैलेंटिनी कौन है, एक इटालियन सर्जन है और इन्होंने ही सर्जरी की थी जब नी पे इनके चोट आई थी फ्रेडरिक हेनरी के। मिस वैन कैंपेन की बात करें तो ये एक सुपरिटेंडेंट होती है मिलन हॉस्पिटल में, मिलान के एक हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे ये डिसलाइक करना स्टार्ट कर देती है हेनरी को, क्योंकि इसको लगता है कि वो लिक्वर की बॉटल्स वगैरह मिली होती हैं। तो इसको ऐसे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जो हेनरी है वो वॉर को अवॉइड करने के लिए ही यहाँ पे, मतलब बीमारी का बहाना, और वैसे तो ये शराब वगैरह पी रहा है तो इसकी वजह से इसको जॉन्डिस हो रखा है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये इसे हेट करने लग जाती है, डिसलाइक करती है इसको, और इसका मतलब इसकी जो ये बात है ये आगे पहुंचा देती है, और जिससे इसको वॉर में वापस से शामिल कर लिया जाता है, मतलब वापस से बुला लिया जाता है। बोनेलो और पैसरिनी नाम के दो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो हेनरी के साथ में होते हैं, और एक बार ये जब तीनों साथ में होते हैं, हेनरी, बोलेनो और पैसरिनी, तो इसमें से पैसरिनी जो होता है एक मोटर अटैक में मारा जाता है, और ये अदर एक और भी होता है उनके साथ में, इनके मतलब हेनरी के कमांड में एक एम्बुलेंस ड्राइवर है बोलेनो भी। एमिलियो नाम का एक बारटेंडर है जो, मतलब एट द लास्ट जब स्ट्रेसा में जाते हैं ये, और फिर बाद में वहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हैं दोनों, हेनरी और कैथरीन, तो ये इनकी हेल्प करता है ये बारटेंडर एमिलियो नाम का। सो और भी बहुत सारे माइनर और कैरेक्टर्स हैं, मतलब और भी ऐसे ड्राइवर्स हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो ये वहाँ से, मतलब काफ़ी सारे प्लेसेस चेंज करते हैं, जो सेटिंग है नोवेल की वो बार बार में चेंज होती है, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग इनको मिलते हैं, तो कुछ और माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। सो अगर हम नोवेल की बात करें तो इसमें किस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का नोवेल है, और इसमें नैरेटर जो है, फर्स्ट पर्सन नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज फ्रेडरिक हेनरी,
एक अमेरिकन मैन है जो एम्बुलेंस ड्राइव्स एन एम्बुलेंस इन इटली ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके. और इन एक ब्रिटिश नर्स होती है कैथरीन, जिससे वो प्यार करने लग जाता है. और इसमें जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, तो अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है 1916 का, उस टाइम पे जो इटली होती है ये किसे मतलब ट्राइंग टू होल्ड ऑफ द यूनाइटेड फोर्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, इनसे मतलब फाइट हो रही होती है, इनसे वॉर हो रहा होता है. तो जैसे ही नोवेल स्टार्ट होता है, ओपन होता है, तो हेनरी जो है वो विंटर लीव पे जा रहा है. और वो जब छुट्टी पे जाता है, उससे पहले वो जो इवनिंग होती है वो अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ में स्पेंड करता है. और जैसे ही बाद में स्प्रिंग स्टार्ट होती है, तो वो वापस से अपने फ्रंट पे वापस आ जाता है. और जब वो वापस आता है, तो एक शाम को उसका जो रूममेट होता है, जैसा कि मैंने बताया, रिनाल्डी नाम का जो सर्जन होता है, लेफ्टिनेंट होता है इटालियन आर्मी के अंदर, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है टू ब्रिटिश नर्सेज से, कैथरीन और उसकी फ्रेंड जो हेलन, जैसा कि मैंने बताया था आपको कैरेक्टर्स के टाइम पे कि ये दोनों साथ में ही मिलती हैं हेनरी से. अब ये जो रिनाल्डी है, इसका कैरेक्टर इस तरीके का है कि ये मतलब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है लेडीज़ को लेकर. वैसे तो सर्जन है, लेकिन ज़्यादा सर्जरी ये करता है ब्यूटीफुल फेसेस की, मतलब कुछ अच्छी लेडीज़ दिखती हैं तो उनके साथ में ये टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मतलब इसकी हॉबी है वो. तो यहाँ पे जब वो मिलते हैं हेनरी, कैथरीन और हेलन से, तो कैथरीन और जो हेनरी है उनके बीच में बात होती है, वॉर की बात होती है. जैसा कि मैंने बताया, कैथरीन का पहले फियांसे होता है जो एक युद्ध में, कॉम्बैट में मारा जाता है, तो उसको याद करके बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास बैड एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, तो वो बहुत दुखी होती है. और इस तरीके से मतलब धीरे धीरे वो उनकी जो कम्युनिकेशन है या विजिट है वो बार बार होने लग जाती है कैथरीन और हेनरी की, वो मिलने लगते हैं. और जब सेकंड टाइम वो मिलते हैं टू द ब्रिटिश हॉस्पिटल, दे किस. एंड हेनरी जब मतलब बार बार आता रहता है, उनकी जो मुलाकात बढ़ती हैं, तो हेनरी जब विज़िट करता है कैथरीन को, तो एक टाइम पे मतलब कैथरीन भी बहुत अलोन होती है वहाँ पे. और वो उससे कहती है कि शी लव्स हिम, और वो उससे पूछती भी है कि अगर वो करता है उसे लव या फिर जस्ट ऐसे ही है उनका जो रिलेशन है वो, तो लेकिन वो रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ वो भी उससे प्यार करता है. तो फेडरिक जो है वो उसका जो फेलो ड्राइवर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, बोनेलो और पेसिनी नाम के, तो एक एम्बुलेंस लेके जाते हैं वो वॉर में. और पेसिनी क्या होता है कि एक मोर्टर अटैक में मारा जाता है. और फेडरिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाता है नी पे, मतलब घुटने पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मोर्टर वॉर है मतलब जिसके अंदर गोला बारूद यूज़ होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको वुंड आ जाते हैं नी के ऊपर. तो उसको जो मिलान का एक हॉस्पिटल है उस वहाँ पे भेज दिया है, वहाँ पे मतलब उसके इलाज के लिए, हेनरी के इलाज के लिए. तो कई सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि उनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा सिक्स मंथ्स के लिए, और मतलब नेसेसरी जो ऑपरेशन है नी का वो होगा, और इस तरह की बातें करते हैं. लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो एक मतलब उसको एक ऐसा सर्जन मिल जाता है बोल्ड, जिसका नाम होता है डॉक्टर वैलेंटिनी. तो जो डॉक्टर वैलेंटिनी होता है वो एग्री हो जाता है कि उसका जो ऑपरेशन है वो इमीडिएटली कर देगा, और उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे. कैथरीन जो है, बाद में पता चलता है उसको, वो काफ़ी खुश होता है कि कैथरीन का ट्रांसफ़र हो गया है उसी हॉस्पिटल में, और वो उसको मतलब वापस से मतलब गुड हेल्थ वापस से उसकी हो जाए, इसके लिए वो उसकी हेल्प करेगी, उसका उसकी केयर करेगी. तो सर्जरी के बाद में वो उसकी काफ़ी केयर करती भी है. तो लेकिन इन बिटवीन जब वो हॉस्पिटल में होता है और वो नर्स भी होती है, तो वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उनका जो लव होता है वो गहरा होता जाता है टाइम के साथ में. जो फेडरिक है वो उसकी फ्रेंड हेलन फर्ग्यूसन से भी मिलती है, जो उसकी फेलो नर्स होती है कैथरीन की. तो नी वगैरह हील होता है उसका. तो फेडरिक क्या करता है कि बाद में उसको जॉन्डिस भी हो जाता है, और उसको वापस से लीव मिल जाती है 3 वीक्स की, सेंशन हो जाती है. लेकिन मिस वैन कैंपेन क्या करती है कि एक बार देख लेती है कि उसको, क्योंकि वहाँ पे कैथरीन आ जाती है रात को वहाँ पे हॉस्पिटल में,
उसके वार्ड में, और मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो मतलब उसको वो पता चल जाता है मिस वैन कैंपेन को, वो सुपरिटेंडेंट होती है जो, तो वो बता देती है कि ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो इसी वजह से इसकी कंडीशन ऐसी हो रही है। तो वो बता जब फ्रंट को, ये वॉर फ्रंट को सारी बातें बता देती हैं तो रिपोर्ट कर देती हैं, तो उसकी जो लीव है वो कैंसिल हो जाती है और फ्रेडरिक को वापस से वॉर फ्रंट पे बुलाया जाता है। तो कैथरीन क्या करती है उस टाइम पे, मतलब उनका रिलेशन इतना गहरा हो चुका था कि वो मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी थी उससे, तो कैथरीन उसको बताती है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तो वो दोनों खुश तो होते हैं, लेकिन वो उसको वॉर पे भी जाना होता है तो वो मतलब वापस से मिलने का इंतज़ार करते हैं। फ्रेडरिक जो है वो वापस से जाता है गोरिजिया में, और वहाँ पे इटालियन रिट्रीट फ्रॉम कैपोरेटो में वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसकी एम्बुलेंस की जो सर्विसेज होती हैं वो वहाँ पे वो देता है, एम्बुलेंस ड्राइवर होता है। तो जो फ्रेडरिक होता है उसके साथ में उसके क्रिव मेंबर्स भी होते हैं और भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार जब वो वापस वॉर के अंदर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो शॉर्टकट लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है उनका जो गाड़ी होती है वो मड में स्टक हो जाती है, मतलब वहाँ से हिलती डुलती नहीं है, निकल नहीं पाते हैं। 2 सोल्जर्स भी होते हैं उनके साथ में, वो जो फ्रेडरिक हेनरी होता है वो उनसे हेल्प मांगता है कि तुम हमारी हेल्प कर दो, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम तुम्हारे व्हीकल निकालने में मड से हेल्प नहीं करेंगे। तो फ्रेडरिक को गुस्सा आता है और वो अपनी गन से शूट करता है एक को, एक सोल्जर को वो मार देता है और दूसरा जो है वो छूट के भाग जाता है। और अब मतलब फ्रेडरिक की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, मतलब हेनरी की, और वो मिलिट्री पुलिस उसको ले जाती है, इंटेरोगेट करती है, एग्जीक्यूट करती है, मतलब उनको ऐसे लगता है कि धोखाधड़ी की है इसने, इसी की वजह से इटालियन आर्मी जो है वो डिफ़ीट हुई है। तो उसको उसने उसको लगा कि मतलब यहाँ पे रहना सही नहीं है, तो वहाँ से जो फ्रेडरिक हेनरी है वो वहाँ से भागने की सोचता है और वो रिवर में जंप कर जाता है कि मैं आगे फिर और कहीं चला जाऊँगा। तो फाइनली वो बच जाता है और वहाँ से ट्रेन के थ्रू वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे कैथरीन को ढूँढना है, मिलान की तरफ जाता है वो कैथरीन को ढूँढने के लिए। और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो कोई भी फाइट में शामिल नहीं होगा, कोई इटालियन आर्मी का मेंबर नहीं रहेगा, और वो कैथरीन से मिल भी जाता है टाउन ऑफ स्ट्रेसा में। तो उन दोनों की मुलाकात होती है, वो एक दूसरे को देख के काफ़ी हैप्पी होते हैं, और वो दोनों जो हैं वो मतलब सेफ्टी के लिए, क्योंकि लोग वहाँ पर भी उसे ढूँढ रहे होते हैं, क्योंकि पूरी फोर्स जो है वो उसके खिलाफ हो जाती है और वो स्विट्ज़रलैंड की तरफ निकलते हैं। पूरी रात उन्होंने एक छोटी सी जो बोरोड बोट होती है उनके पास में, जैसा कि मैंने बताया था एक बारटेंडर ने उनकी हेल्प की थी, तो वो पूरी रात उसको उस बोट के थ्रू पहुंचे थे अपने डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे अल्पाइन टाउन कॉल्ड मोंटरेक्स नाम की एक जगह पे वो अपनी जो लाइफ है वो हैप्पीली स्पेंड करने लग जाते हैं। अब वो मतलब इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो कभी भी वॉर में सारी वॉर की बातें भुला दी और कभी भी वापस से शामिल नहीं होना है। तो कई बार जो हेनरी फ्रेडरिक है वो कई बार गिल्ट भी फील करता है कि मैंने मतलब लोगों को फ्रंट पे इस तरीके से धोखा देके भाग गया था, तो इन सब बातों को याद भी करता है, लेकिन वो एट लास्ट वो दोनों जो होते हैं वो एक ब्यूटीफुल पीसफुल लाइफ को बनाने में जीने में सक्सीड हो जाते हैं, वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन इतने में फिर स्प्रिंग सीजन वापस आता है और जो दोनों कपल होते हैं वो लुसेन नाम की एक जगह पे मूव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वहाँ से, क्योंकि जो माउंटेन एरिया में वो रह रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल पास में नहीं था उनके, तो क्योंकि अब उनको क्लोज़र टू हॉस्पिटल सेटल होना था, क्योंकि कभी भी जो बेबी हो सकता था। तो एक दिन अर्ली वन मॉर्निंग क्या होता है कि कैथरीन को लीवर पेन होता है और मतलब इतना इंक्रीज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब वो इतना डेंजरस कंडीशन ले लेता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब जो बेबी है वो सिजेरियन करना पड़ेगा। बेबी हुआ भी, लेकिन ही बेबी इज़ स्टिल बॉर्न, मतलब मरा हुआ पैदा हुआ। कैथरीन जो थी वो भी मर गई, बच्चा भी ख़त्म हो गया और कैथरीन भी मर गई हेमरेज की वजह से, काफ़ी मतलब ब्लड निकल गया उसका।
तो हेनरी जो था अब एकदम अकेला हो गया, एकदम सैड हो गया, और वापस मतलब बारिश हो रही है और वो होटल की तरफ वापस जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब ए फेयरवेल टू आर्म्स, आर्म्स को तो उसने फेयरवेल कह दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। वो लास्ट में कैथरीन को खो देता है और अपने बेबी को भी खो देता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस नोवल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।